रुड़की तहसील में आज भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक महक सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने नेशनल हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और नेशनल हाईवे के भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि 30 दिसंबर की सुबह नारसन में नेशनल हाईवे पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। आरोप है कि उनका एक्सीडेंट सड़क पर बने हुए गड्ढे के कारण हुआ था। भीम आर्मी का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण समय से पहले ही नेशनल हाईवे पर गड्ढे हो जाते हैं जिनको समय तक ठीक नहीं कराया जाता है और इन गड्ढों के कारण ही रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं और आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। को लेकर हम जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मिले हैं। 30 तारीख में एक बड़ी घटना होती है नारसन हाईवे पर, भारत के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया है, जिसमें आज हम जॉइंट मजिस्ट्रेट से मिले। हमने अपना मांग पत्र उन लोगों जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को दिया है अपने लोगों के माध्यम से, तो उसमें हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से इस रोड का निर्माण किया गया है, जगह जगह इस रोड में गड्ढे हैं और उन गड्ढों के कारण आए दिन, आज तो एक सेलिब्रिटी का एक्सीडेंट हुआ है तो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन आए दिन रोड क्रॉस करने पर वहाँ गड्ढे बचाने को लेकर रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग मरते हैं, लेकिन इन घटनाओं पर अब तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया गया है और हाईवे के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही देखिए और होशियारी भी कहूँगा कि होशियारी देखिए कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होता है तो रात्रि के समय ही आनन फानन में सभी गड्ढे भर दिए जाते हैं, जगह जगह टोल लगाए हुए हैं, लोगों से अवैध वसूली करते हैं, जब पूरी तरह से रोड का निर्माण नहीं कर पाए तो टोल किस चीज का, लेकिन अब तक अधिकारियों कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार से कोई गाज नहीं गिरी है। आज हम जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से इसी गंभीर विषय को लेकर मिले हैं कि आज देश के एक मशहूर क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो गंभीर रूप से घायल है और देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट है। हम उनके जो है स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी कहते हैं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और एनएच में जिस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं जो पूरी तरह से घूस खाने का काम करते हैं, रोड निर्माण पूरी तरह से सही नहीं करते हैं।